हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम जब रेजिस्टर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, मतलब जिसमें वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, और डायरेक्शन पीरियडिकली क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे तो करंट की वेरिएशन कैसे होगी। तो टॉपिक है हमारा आज का एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर, ठीक है। अब हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि एक रेजिस्टर है आर, जिसकी रेजिस्टेंस आर है, उसको अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करो, इट इज़ अ डीसी सोर्स। ये कैसा सोर्स है? डीसी सोर्स, सेल लगा है यहाँ पे, तो इसमें जो करंट फ्लो करता है आई, दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। पढ़ चुके हैं इसको हम थर्ड चैप्टर में। अब हमने रेजिस्टर के अक्रॉस क्या कनेक्ट करना है? एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट करनी है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ऐसे शो करेंगे सर्किट में ऐसे, ठीक है, साइनोसोइडल वेव बना के। दिस इज द सिंबल फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जो सपोज मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, उसकी इक्वेशन है ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। जैसे हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, ई नोड क्या है यहाँ पे? ई नोड इज द पीक वैल्यू एंड ई इज द ई एम एफ एट इंस्टेंट या एट टाइम टी, और आई कैन से जो ई है ये ई, दैट इज इंस्टेंटेनियस ई एम एफ, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, सपोज रेजिस्टर आर लगाया तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट की वेरिएशन कैसे होगी। तो लेट करते हैं किसी इंस्टेंट पे, लेट एट इंस्टेंट टी आई करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, कि किसी इंस्टेंट पे आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट पे। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आई का, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस इंस्टेंट पे? ई, एंड ई बाय आर। एंड ई की इक्वेशन क्या है? ई की इक्वेशन है ई नोड साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। तो यहाँ से हमारा करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? करंट का फॉर्मूला आ गया ई नोड बाय आर साइन ओमेगा टी। नाउ दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। करंट मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? वन। और साइन ओमेगा टी वन हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू यही बचेगी ना, ओमेगा टी वन पुट कर दो। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई नोड, दैट इज इक्वल टू ई नोड बाय आर, कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी। और यहाँ पे आई इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दिया? आई नोड। तो आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। तो जब हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हैं रेजिस्टर पे, तो जो करंट आता है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? उसकी इक्वेशन बनेगी आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय आर। तो नोट कर लो इसे। तो अब ई एम एफ की इक्वेशन क्या आई? ई एम एफ की इक्वेशन थी ई नोड साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टर में करंट कैसे वेरी कर रहा है? दैट इज आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। अब मैं वेरिएशन ग्राफ बनाता हूँ ईएमएफ का और करंट का विद टाइम, ईएमएफ का और करंट का विद टाइम। अब टी इज इक्वल टू, हमने बताया था यहाँ पे टी बाय फोर, टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर एंड टी। साइन की वेरिएशन तुमने बनाई थी ना, कैसे बनी थी? पहले ईएमएफ के लिए ग्राफ बनाते हैं, दैट इज जैसे ग्राफ आया था ना, ये ध्यान रखना ये ग्राफ सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब जैसे ऊपर की तरफ बना वैसे ही नीचे की तरफ। और ये पीक वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू ई नोड, ठीक है। अब करंट भी कैसे वेरी कर रहा है? करंट भी साइनोसोइडली वेरी कर रहा है, तो करंट का ग्राफ भी सेम बनेगा। तो
करंट का ग्राफ भी सेम बन गया। और यहाँ पे जो करंट की पीक वैल्यू, इसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम आई नोड से, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आई नोड की वैल्यू ई नोड से थोड़ी कम कब क्यों बनाई। अब आई नोड का फॉर्मूला क्या था, आई नोड फॉर्मूला था ई नोड बाय आर। तो जो आई नोड की वैल्यू दैट डिपेंड्स ऑन आर, क्यों, किस पर डिपेंड करती है, आर पे, क्लियर। अगर रेजिस्टेंस वन से कम है तो आई नोड ई नोड से ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस वन से ज़्यादा है तो आई नोड की वैल्यू ई नोड से कम होगी। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई एम एफ एंड करंट विद टाइम व्हेन दिस इज करंट अक्रॉस रेजिस्टर। अब बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। अब ये डायग्राम तुमने 11th क्लास में SHM में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि जब भी कोई क्वांटिटी साइनोसोडली वेरी करे, मतलब साइन के रिलेशन से वेरी करे, तो उसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। उसमें क्या, फेजर डायग्राम बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर। ज़्यादा डिस्कशन इसकी SHM में है, बट अभी मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। अब EMF की क्वेश्चन क्या है, E इज इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी। तो मैंने तुम्हें SHM में तुमने पढ़ा हुआ है कि ये जो साइन के साथ टर्म होती है इसको बोलते हैं फेज। तो यहाँ पे जो फेज ऑफ EMF है वो क्या है, फेज ऑफ EMF इज ओमेगा टी। कि इस फेज की हेल्प से हम EMF की किसी भी इंस्टेंट में वैल्यू बता सकते हैं। और फेज ऑफ करंट कितना है, फेज ऑफ करंट इज ऑल्सो ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, फेज डिफरेंस दोनों में, दोनों का फेज सेम है ना, तो फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, जीरो। और आई कैन से करंट इज इन द फेज, सेम फेज विद, करंट इज इन सेम फेज विद वोल्टेज। कि EMF या वोल्टेज के साथ करंट क्या है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब कि जिस टाइम पे EMF जीरो उस टाइम पे करंट जीरो, जिस टाइम पे EMF मैक्सिमम उसी टाइम पे करंट मैक्सिमम। मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सिमिलर पैटर्न में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं कि सेम फेज में, ठीक है। फेजर डायग्राम क्या है कि सपोज मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, E इज इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी के पहले, तो एक वेक्टर बनाओ जिसकी लेंथ पीक वैल्यू के बराबर हो। तो एक वेक्टर बनाया जिसकी लेंथ E नोड के बराबर है, पीक वैल्यू के बराबर, ठीक है। और उसको एंटी क्लॉकवाइज एंगल घुमाओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जितना उसका फेज है, कितना फेज था ओमेगा टी, तो एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल के साथ जितना उसका फेज है, तो इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम, समझ आ गया। और अगर वैल्यू चाहिए मुझे, जैसे E इज इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी, तो E नोड क्या था, पीक वैल्यू, और E क्या हो जाएगी मेरी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बताया था मैंने अभी। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए हो तो इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो वर्टिकल एक्सिस पे, दैट विल गिव इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट विल बी E इज इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी। ये हमने SHM में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं किसका, करंट का। तो I इज इक्वल टू I नोड साइन ओमेगा टी, तो इसका फेज भी क्या है, सेम है, तो मतलब एरो इसी डायरेक्शन बनेगा, बस लेंथ थोड़ी सी हमने कम बना दी। मैंने बोला था लेंथ, दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है, लेंथ डिपेंड करेगी सारी किस पे, रेजिस्टेंस पे। और अगेन अगर इसमें प्रोजेक्शन बनाऊँ वर्टिकल एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I नोड साइन ओमेगा टी। तो इसको बोलते हैं हम क्या, फेजर डायग्राम, ठीक है। कि कोई भी क्वांटिटी अगर साइनोसोइडली वेरी कर रही हो तो उसको हम रोटेटिंग वेक्टर से दिखा देते हैं, जिसमें वेक्टर की लेंथ होती है उसकी पीक वैल्यू के बराबर, और जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो होता है फेज के इक्वल, क्लियर। तो दिस विल बी नोन एज फेजर डायग्राम, तो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक, अभी हमने पढ़ा था रजिस्टर, अब आता है टॉपिक AC सर्किट। कंटेनिंग इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर मीन्स जिस पे इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस किस पे पड़ी थी हमने, सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड पे, ठीक है। आप सोलेनोइड याद आया, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। अब ये इंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं प्योर इंडक्टर की, किसकी, प्योर इंडक्टर की। प्योर इंडक्टर क्या होता है कि जिस ये वायर से बना हुआ है ना, उस वायर की रेजिस्टेंस जो है ना वो ज़ीरो है। असली में ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती,
बट अभी के लिए हम मान लेते हैं जो एसी है वो सिर्फ किस पे लगा है, प्योर इंडक्टर पे, कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, जीरो। तो हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया और उसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और इस इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस, या मैं बोलूँगा इसको इंडक्टेंस जो है वो एल से लिखे हैं, याद है ये हमें पढ़ा था हमने सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और जो हमने सोर्स अप्लाई किया वो वेरी, उसकी हमें वेरी कर रही है, ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। अब मैं हर बार नहीं बताऊँगा ई क्या ई नोड क्या, ठीक है, तुम्हें पता लग गया। तो अब देखते हैं इसमें करंट कैसे वेरी करेगा। तो मैं सपोज करता हूँ किसी इंस्टेंट पे लेट करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो लेट एट एनी इंस्टेंट करंट आई इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखो सोलेनोइड से जब भी करंट चेंज होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है? अब ये तो सोर्स ही जो हमने लगाया अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो ये करंट है भी क्या करेगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में ईएमआई में, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियोस में जाके सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक चेक करो तभी समझ आएगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, होगी क्लियर, समझ आ गया कि हमने अप्लाई ईएमएफ कितनी की, ई इंड्यूस कितनी होगी, माइनस एल डी आई बाय डी टी, ये भी पढ़ा था हमने वहाँ पे। नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अब किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग नेट ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, पढ़ा था ना सेकंड लॉ, तो नेट ईएमएफ, ईएमएफ अप्लाई कितनी कर रही है, किसी भी स्टेट पे ई है, इंड्यूस कितनी हुई, माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू आई आर। अब रेजिस्टेंस तो कितनी लगे चल रहे हैं हम, जीरो, तो आर हो गया हमारा जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा ई विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आई विल बी इक्वल टू ई बाई एल इंटू में डी टी, ठीक है। अब मैं यहाँ से करंट की वेरिएशन निकाल सकता हूँ, तो डी आई विल बी इक्वल टू ई की, ई कैसे वेरी कर रहा है, ई नोड साइन ओमेगा टी अपॉन में एल इंटू में डी टी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नोड साइन ओमेगा टी अपॉन में एल इंटू में डी टी। तो आई विल बी इक्वल टू ई नोड कॉन्स्टेंट अपॉन में एल कॉन्स्टेंट, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो आई विल बी इक्वल टू ई नोड बाय एल, एंड साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, तो I will be equal to minus E node by L and cos omega t। तो ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास करंट की। अब कोई पूछे बताओ भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो इतनी ही हो सकती है E node by L, क्योंकि जब ये सारे फैक्टर वन हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट आएगा, तो I node दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू कितना आएगा, सॉरी एक में ओमेगा हो रहा है यहाँ पे, कितना आएगा, वो आएगा ई नोड बाय ओमेगा एल। तो मेरी करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई विल बी इक्वल टू माइनस आई नोड कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ तक नोट कर लो इसको, ठीक है, कि जब हमने एक ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी अप्लाई की इंडक्टर पे, तो जो करंट की वेरिएशन मिली वो कैसे मिली, वो मिली आई इज इक्वल टू आई नोड कॉस ओमेगा टी से, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो अभी हमने पढ़ा क्या, कि अगर मैं इंडक्टर में इक्वेश कर इंडक्टर के क्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करता हूँ
तो करंट की इक्वेशन कैसी आती है, करंट कैसे वेरी करता है, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोड कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे आई नोड की वैल्यू क्या है, आई नोड की वैल्यू है ई नोड अपॉन में ओमेगा एल। ठीक है, अब इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या ई या आई की वेरिएशन, और यहाँ पे आ गया हमारा टाइम। तो ज़ीरो टी बाय फोर टी बाय टू थ्री टी बाय फोर एंड टी, तो ई एम एफ तो साइन ओमेगा टी के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, तो ई एम एफ ही कर्व बना देते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर ई एम एफ। अब करंट कैसे वेरी कर रहा है, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोड कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी कर्व बनानी है बट नेगेटिव साइन के साथ है, तो जहां उसका पॉजिटिव साइन था वहां उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो कैसी वेरिएशन बनेगी, ये ऐसी वेरिएशन बनेगी करंट की। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू और यहाँ पे सेम रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आई नोड, जहाँ पर साइन थीटा जीरो, साइन की वैल्यू वन होती है वहाँ इसकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये ग्राफ की वेरिएशन ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ पे ई नोड मैक्सिमम वहाँ करंट कितना है, जीरो, और जहाँ पे करंट मैक्सिमम वहाँ पे ईएमएफ कितनी है, जीरो। क्लियर, क्योंकि दोनों एक साइन ओमेगा टी के हिसाब से वेरी कर रहा है, कोसाइन ओमेगा टी के हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों की वेरिएशन आ गई। अब निकालते हैं दोनों में फेज डिफरेंस फेजर डायग्राम के लिए। तो फेज ऑफ ईएमएफ कितना है, इट इज ओमेगा टी। अब ये कर्व आ गई कॉस में, मतलब जो करंट की वेरिएशन वो किस में चल रही है, कॉस में। पहले मैं इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो आई इज इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोड कॉस ओमेगा टी। नाउ आई कैन राइट कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, लिख सकता हूँ मैं, पढ़ा हुआ है ना, साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक प्रॉपर्टी और पड़ी होगी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पढ़ी प्रॉपर्टी। तो ये माइनस साइन अंदर ले जाओ क्योंकि बात एक ही है, तो आई नोड साइन माइनस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, समझ आया। तो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, वैसे मैं सीधा लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, आगे समझ। तो अगर मैं लिखूँ फेज ऑफ करंट तो कितना आएगा, अब दोनों की वेरिएशन सेम होगी, दोनों साइन के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, तो फेज ऑफ करंट विल बी ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब दोनों में फेज डिफरेंस आ गया, ये मेरे को फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस आ गया दोनों में बिटवीन ई एम एफ एंड आई, दैट इज पाई बाय टू। और कौन लीड कर रहा है, कौन आगे है, मतलब कौन लीड कर रहा है, तो देखो ई एम एफ का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी में से पाई बाय टू माइनस करना है, तो ई एम एफ इज लीडिंग द करंट या वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज ऑफ पाई बाय टू, और आई कैन से करंट लैग्स द ई एम एफ बाय फेज ऑफ पाई बाय टू। तो अगर मैं इनका फेजर डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा फेजर डायग्राम, सबसे पहले ई एम एफ बनाते हैं। तो ई की वेरिएशन कैसे है, ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी, तो एक वेक्टर बना लिया जिसकी लेंथ किसके बराबर है, ई नोड के बराबर, और एंगल इसके फेज के बराबर ओमेगा टी। अब करंट की वेरिएशन क्या है, यहाँ से देखते हैं ये वाली वेरिएशन, क्योंकि दोनों साइन में आ गए ना, तो आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, तो जो फेज है वो ओमेगा टी से पाई बाय टू कम है, तो पाई बाय टू कम करना है, तो ओमेगा टी से पाई बाय टू कम, तो ओमेगा टी से पाई बाय टू कम, तो ये आ गया फेजर डायग्राम, समझ आ गया कि ओमेगा टी तो ई एम एफ एंगल था, उससे पाई बाय टू कम किसका, करंट के लिए फेज होगा। क्लियर, तो ये आ गया फेजर डायग्राम, यहाँ तक नोट करो, फिर डिस्कशन करते हैं आगे। अब एक नई चीज़ टर्म समझेंगे अभी। अब हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू ई नोड बाय ओमेगा एल। अब ध्यान से देखना, रजिस्टर को जब हमने लाइक किया था तो आई इज इक्वल टू क्या आया था, ई नोड बाय आर, और आर क्या था, दैट इज रेजिस्टेंस
ड्यू टू रेजिस्टर। रेजिस्टेंस का मतलब ओपोजिशन, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, कम होता है। अब यहां भी ओमेगा एल है, अब देखो यहां रेजिस्टेंस तो था ही नहीं, रेजिस्टेंस कितनी है, जीरो। अब जो ओमेगा एल है, जितना ज्यादा होगा क्या करंट उतना कम होगा, होगा। तो ओमेगा एल भी बोल सकता हूं मैं, ये भी ओपोजिशन है। ये किसकी वजह से है, अब यहां पे क्या था, इंडक्टर टू करंट, क्योंकि ये भी जितनी टर्म ज्यादा हो रही है उतने करंट मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम, इस वर्ड को हमने डिफाइन किया कैसे, इंडक्टर की रेजिस्टेंस, तो इसको बोल दिया हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और डेफिनेशन क्या है, यही डेफिनेशन है इसकी, ओपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका सिंबल कैसे होगा, एक्स एल। तो जो मेरा एक्स एल है उसको मैं कैसे लिखूँ, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर ओपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। और यहाँ से आई नोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब मैं आई नोट को लिखूंगा ई नोट बाय एक्स एल, एक्स एल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूँ तो एक्स एल विल बी इक्वल टू टू पाई न्यू एल, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स। अब इसकी यूनिट क्या होगी एक्स एल की, अरे है तो रेजिस्टेंस ही ओपोजिशन ही अनेक तरह की, तो इसकी यूनिट होगी ओम। एक्सएल की यूनिट भी क्या होगी, ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस का रीजन तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या रीजन था रेजिस्टेंस का, कि आपस में इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, इसकी वजह से करंट को क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है इसमें रेजिस्टेंस का रीजन, ओपोजिशन का रीजन क्या, इसकी रेजिस्टेंस जीरो है, इसमें ओपोजिशन का रीजन पता है क्या है, इसमें ओपोजिशन का रीजन है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट बढ़ेगा तो उसको अपोज करेगी, करंट कम होगा तो भी अपोज करेगी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वही क्या है, दैट इज दैट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो वो रीजन है किसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अब पढ़ते हैं एक्सएल के लिए, नाउ फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट भी कौन सा, कॉन्स्टेंट डायरेक्ट करंट। अब कॉन्स्टेंट डायरेक्ट करंट की तो वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जीरो। तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब जो इंडक्टिव रिएक्ट इंडक्टर है मेरा, वो डीसी को कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, इंडक्टर्स ऑफर नो रेजिस्टेंस टू डीसी, जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी, बट प्योर इंडक्टर जो एग्जिस्ट नहीं करता, इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी। ऐसा क्यों होता है, रीजन है डीसी है, वेरी नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगी नहीं, तो अपोज नहीं करेगा, ठीक है। नाउ अब हमने पढ़ा है एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, देख लो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब एसी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फ्लो करेगा इंडक्टर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्यों, उतनी करंट की वेरिएशन ज़्यादा होगी तो उतनी इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किसी सर्किट में अगर मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए हो जो डीसी को तो पास होने दो बट एसी को ब्लॉक कर दे, तो क्या लगा दो वहाँ पे, इंडक्टर लगा दो, क्योंकि डीसी को तो रेजिस्टेंस कितनी दे रहा है, जीरो। लो फ्रीक्वेंसी एसी को रेजिस्टेंस भी क्या प्रोवाइड करेगा, कम। जिस एसी की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको रेजिस्टेंस भी क्या प्रोवाइड करेगा, कम, तो उसको भी जाने देगा, बट हाई फ्रीक्वेंसी एसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, उसको रेजिस्टेंस क्या देगा, ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट चाहिए जो डीसी को तो जाने दे बट एसी को ना जाने दे, तो क्या लगाएंगे वहाँ पे, इंडक्टर, क्लियर। तो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। बहुत टाइम हो गया ना इस वर्ड को सुने, कैपेसिटर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, सी इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, और सी का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, क्यू बाय वी, वेर क्यू वाज द चार्ज ऑन, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं जो पढ़ेंगे हम यहाँ पे, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, याद आया कुछ सेकेंड चैप्टर में से। और कैसे बनाते थे कैपेसिटर को हम,
ये ऐसे कैपेसिटर बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके अगर उसके लगा दिया हमने अल्टरनेटिंग सोर्स, अगेन कैपेसिटर आइडियल कैपेसिटर है, बोल सकते हैं प्योर कैपेसिटर है। प्योर कैपेसिटर का मतलब इसकी रेजिस्टेंस जीरो है, कि सर्किट की पूरे की रेजिस्टेंस कितनी है जीरो, कि जिस वायर से लगाया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है जीरो। तो अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई कर दिया, ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी हमने, ठीक है। इसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। सपोज ये पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, तो यहाँ से करंट गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे नेगेटिव क्यू। तो सपोज किया लेट एट एन इंस्टेंट टी क्यू इज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कौन सी पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं ना, ठीक है। नाउ वी नो क्यू इज इक्वल टू सी वी, पढ़ा था फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू उस इंस्टेंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर के प्लेट्स पे, ई। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ई। समझ आया कैसे है, क्लियर हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उस इंस्टेंट में कितना है ई। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू विल बी इक्वल टू सी ई नोड साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू पुट कर दी। करंट एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट इंस्टेंट टी, क्या पढ़े इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हमने, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ सी ई नोड साइन ओमेगा टी। नाउ कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट है, ई नोड कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, इट इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई विल बी इक्वल टू सी ई नोड ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू ई नोड बाय वन बाय सी ओमेगा, लिख सकते हैं ना इसको, ये ऊपर ही आएगा, अभी पता लग जाएगा बाद में ऐसे क्यों लिखा, कॉस ओमेगा टी। अगेन इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, अब तो पता लग गया होगा। सो आई नोड विल बी इक्वल टू ई नोड बाय 1 by c omega, तो I is equal to I node cos omega t। तो करंट ऐसे वेरी करेगा जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज E is equal to E node sin omega t अप्लाई करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लो इसको। तो अब जब हमने E is equal to E node sin omega t कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई की, तो करंट की इक्वेशन क्या आई, I is equal to I node कॉस ओमेगा टी। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, ईएमएफ और करंट, और यहाँ पे टाइम जीरो, टी बाय फोर, टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर एंड टी। नाउ ईएमएफ की वेरिएशन कैसे है, साइन के अकॉर्डिंग, साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग। तो आएगा ग्राफ कैसे, ऐसी आएगी ना कर, ठीक है। और ये क्या देगा, इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब करंट की वेरिएशन कैसे है, कॉस ओमेगा टी और पॉजिटिव के हिसाब से, तो कैसे वेरी करेगा करंट, ठीक है, ये डॉटेड बनाता हूँ इसलिए ताकि अलग अलग पता लग जाए कौन सी कर्व किसकी है। और ये क्या आ जाएगी, इट विल बी आई नॉट, ठीक है। अगेन ध्यान रखना, जहाँ साइन मैक्सिमम वहाँ कॉस की वैल्यू कितनी है जीरो, जहाँ साइन जीरो वहाँ कॉस मैक्सिमम, ठीक है। तो याद, ये याद रखना वेरिएशन कैसे बनानी है, क्लियर। अब देखते हैं फेज डिफरेंस, तो फेज ऑफ ईएमएफ कितना है, ओमेगा टी। देखो फेज ऑफ करंट, अब ये है कॉस के अकॉर्डिंग, पहले मेरे को चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो करंट की इक्वेशन क्या आई, आई इज इक्वल टू आई नोड कॉस ओमेगा टी। तो साइन में चेंज करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नोड साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है, बिकॉज साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पढ़ा हुआ ना। अब बच्चे कई बार बोलते हैं कि माइनस भी तो लगा सकते थे,
कि पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर दो। कंपेयर करना है मुझे दोनों का फेस, तो यहाँ ओमेगा टी प्लस है तो मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ ओमेगा टी किस में है, पॉजिटिव साइन में है। ठीक है, अब तो फेज ऑफ करंट कितना आ गया, फेज ऑफ करंट दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ना ओमेगा टी यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो करंट में और ईएमएफ में फेज डिफरेंस कितना आ गया, ईएमएफ बोल दो या वोल्टेज बोल दो बात एक ही है, फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय टू का। और कौन लीड कर रहा है, कौन आ गया इसमें, पाई बाय टू ऐड करोगे तो करंट का फेज आएगा, इट मीन्स करंट लीड ईएमएफ बाय फेज ऑफ पाई बाय टू, और आई कैन से ईएमएफ लैग करंट बाय फेज ऑफ पाई बाय टू। अब अगर फेजर डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा फेजर डायग्राम, ईएमएफ तो सेम है ऐसे, ई नोड उसका फेज कितना ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी में पाई बाय टू प्लस कर दो, तो ओमेगा टू में पाई बाय टू प्लस कर दी, पाई बाय टू प्लस, तो करंट का एंगल देखो कितना होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। आगे समझ। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे आई नोड की वैल्यू क्या आई थी, ई नोड बाय वन बाय ओमेगा सी, तो जितनी एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी वन बाय ओमेगा सी उतना करंट क्या होगा कम, तो इट इज़ ऑल्सो ओपोजिशन ड्यू टू, किसकी वजह से, कौन सा डिवाइस लगा है यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ कैपेसिटर लगा है, ड्यू टू कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो इसको भी नया नाम दिया, इसको नाम दे दिया क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम दिया इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिंबल एक्ससी, तो एक्ससी विल बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया वन बाय ओमेगा सी, और आई नोड का फॉर्मूला क्या बनेगा ई नोड बाय एक्ससी। ठीक है, आगे समझ। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अच्छा इसकी यूनिट भी क्या होगी ओम। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस रीजन क्या होता है, नाउ ईएमएफ की वेरिएशन ऐसी चलती है ना, तो इस टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपेसिटर में चार्ज भी क्या होगा बढ़ेगा, तो ये और पॉजिटिव चार्ज आने को क्या करेगा अपोज करेगा ना, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस, ये भी लिख देता हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रीजन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, लिख लेना रीजन को पता होना चाहिए, अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे वो चार्ज के फ्लो को क्या करेगा अपोज, उसकी वजह से करंट भी क्या होगा अपोज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्ससी की ही, एक्ससी का फॉर्मूला क्या है वन बाय ओमेगा सी, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकता हूँ मैं वन बाय टू पाई न्यू सी, लिख सकते हैं ना ओमेगा इज टू पाई न्यू, फोर डी सी कॉन्स्टेंट डी सी, न्यू कितना हो जाएगा जीरो, तो एक्ससी कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ऑपोजिशन इनफाइनाइट, मतलब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट विल बी जीरो, देख लो यहाँ पुट करो जीरो वन बाय ई नोट बाई जीरो इज, ओ सॉरी यहाँ पुट करो इनफाइनाइट, ई नोट बाई इनफाइनाइट इज जीरो, तो करंट कितना हो जाएगा जीरो, इसका मतलब जो मेरा कैपेसिटर है वो डी सी को क्या करता है ब्लॉक करता है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है ब्लॉक क्यों करता है, देख लो कि सपोज ये कैपेसिटर है, इसको मैंने V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया, ठीक है, अब इस V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैपेसिटर पे क्या आएगा चार्ज आएगा, अब DC है तो ये तो एक ही डायरेक्शन में करंट करेगा, तो ये चार्ज कब तक आता रहेगा जब तक यहाँ प्लेट्स पे भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए V, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीरो है और कहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप होना नहीं, अब जब यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V, तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट कितना हो जाएगा जीरो, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनफिनिट, तो कैपेसिटर में सिर्फ दो ही कंडीशन में फ्लो करंट फ्लो करता है, एक कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा हो, एक कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा हो, जब डीसी से कनेक्ट कर रहा है, कि जब तक चार्ज होगा तब तक तो करंट फ्लो करेगा, जब इसको हटा देंगे जब डिस्चार्ज होगा तब भी करंट फ्लो करेगा,
बट जब डीसी से कनेक्टेड है तो करंट कितना होगा कैपेसिटर में, सर्किट में? जीरो होगा, क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक और रिलेशन पता लग रहा है कि एक्ससी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब एसी की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर? और अगर मैं ग्राफ बनाऊँ एक्ससी का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। तो कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को और हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी एसी को। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, तो कैपेसिटर पास होने देगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी को, बट डीसी को और लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, ठीक है? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था, हमने तीनों एलिमेंट पढ़ लिए, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर अलग अलग। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि रेजिस्टर और इंडक्टर लगाओ तो क्या होगा, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाओ क्या होगा, तीनों लगे हो तो क्या होगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।